आज हम आए हुए हैं दिल्ली के हौज खास में स्थित डियर पार्क में, और आज हम और आप यहां से रूबरू होते हैं। दोस्तों, अभी जिस जगह पर हम हैं यह है हौज खास डिस्ट्रिक्ट पार्क, और अभी आपको आगे लेके चलते हैं 3-4 किलोमीटर एरिया में। तो जैन, हम तो पहली बार आए हैं डियर पार्क में, आप कुछ जानकारी दे सकते हैं यहाँ के बारे में? कुछ जानकारी बताइए डियर पार्क के। हम तो पहली बार आए, तुम तो यहाँ नज़दीक में ही रहते हो डियर पार्क के, बताओ कुछ। अरे घूम रहे हैं, इतना शर्मा क्यों रहे हो? चेहरा तो ऐसे जोड़े छिपाते हैं, देख ऐसे हमें चेहरा छिप। इधर झील भी है क्या? इसमें लेक भी है कोई? ये सामने है मुंडा गुम्मत। तो जयहिंद, इस झील के बारे में कुछ दे सकते हैं? आशीष और जयहिंद दोनों खड़े हुए हैं, कुछ जानकारी दो दोनों में से किसी को। जयहिंद, तुम यहाँ क्लोज रहते हो, यहाँ कुछ जानकारी दे सकते हो उसके बारे में? जयहिंद, तुम तो शर्मा रहे हो कैमरा देख कर, शर्माओ मत। मैं कभी घूमा ही नहीं आया कि मैं खुद तुम्हारे साथ, मैं कहाँ आता यार। ये सामने यहाँ ये हौज खास लेक है, झील है, और सामने वो हौज खास विलेज, और ये पूरा का पूरा पार्क किसी का है। दोस्तों, हम दिल्ली के हौज खास में डियर पार्क आए हुए हैं, और ये हमारे साथ हमारे दोस्त, ये पता नहीं क्यों कैमरा देख कर शर्मा रहे हैं, ये दूर दूर भाग रहे हैं। और आशीष ने थोड़ा हाथ भी हिलाया, पर जयहिंद कुछ फ़ोन पे बातचीत कर रहा है, शर्म भी लग रही है उसको, ये कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं। जयहिंद पता नहीं कहाँ बिजी हैं फ़ोन पर बात करने में। और आशीष, और बताओ कैसा लग रहा है यहाँ आके? आशीष का बहुत मन था यहाँ आने का, तो आशीष को बहुत खुशी हो रही है यहाँ घूमने की। आशीष को और भी घुमाएंगे, दिल्ली की बहुत अच्छी अच्छी जगह आशीष को घुमाने के लिए लेके जाएंगे। और ये बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ का देख सकते हैं, ये हौज खास की ये झील है यहाँ। पिंकेश को भी बुलाएंगे, टेंशन मत लो, आएगा पिंकेश, चाहे हमें दोबारा घूमना पड़ जाए ये व्लॉग बनाने के लिए, पर आज पिंकेश को ही बुलाएंगे, और जब पिंकेश साथ में होगा तो पूरा जानकारी भी देगा हमें, पर हमें यहाँ की जानकारी नहीं है, अभी हम नए हैं। और ये देख सकते हैं, ये नीचे ये जयहिंद बिल्कुल इसके बगल में ही रहता है, पता नहीं इसको क्यों नहीं पता कि डियर पार्क के बारे में। हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ बहुत पुरानी पुरानी इमारतें हैं, और इनके पीछे ये हौज खास विलेज, ये पूरा हौज खास विलेज है इसके पीछे।
हाँ तो आशीष क्या करने वाले थे बताओ? कुछ नहीं बस यार देखने आए थे। निकालो निकालो जो निकालने वाले थे, क्या कहाँ छुपा के रखा है? हम कुछ निकालने वाले थे, चलो चले। क्या निकालो निकालो क्या छुपा रखा है तुमने? देख सकते हो ये पता नहीं क्या छुपा के रखा हुआ दोस्तों ने, और ये निकालने को तैयार नहीं है। बताओ 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 जैन क्या छुपा रखा है तुमने भैया? अरे कुछ तो। अरे नहीं 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 कुछ सही बंदे दोस्तों, ये यहाँ पर ओपन जिम बना रखी है और ये दिल्ली के लगभग सभी पार्कों में देख सकते हैं ये ओपन जिम। और ये करते हुए आशीष भी आज पूरी बॉडी बना के जाएगा यहाँ। ये आशीष झूला झूलते हुए ये आशीष आज पूरी बॉडी बना के जाएगा, शाम को जाके हल्दी का दूध पीना पड़ेगा इसको। और जहन के नजारा है, बढ़िया है की। नहीं 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 आशीष हल्दी के दूध के साथ क्या लेना चाह रहे थे और क्या बता रहे थे? बताओ बताओ बताओ। जयंत और आशीष अभी जिम करके आए और करने के बाद हेल्दी खाना खाना चाहिए। और ये देखो ये क्या देखो, ये चिप्स खा रहे हैं एक्सरसाइज करने के बाद। दोस्तों हमें जानकारी मिली सुबह के टाइम यहाँ भजन और कीर्तन होते हैं। ये है बागे आलम का गुम्मत। काली गुमटी तो जय हिंद। इसके अंदर के दर्शन करना चाहोगे आ जाओ। इसके अंदर क्या है जय हिंद? ये आशीष आज अपनी सारी मन की बात पूरी कर लेगा। उससे पहले एक्सरसाइज करी, उससे पहले एक्सरसाइज करी और अब झूला झूल रहा है। और ये पिंकेश से बात करते हुए फोन कट गया क्या? और ये पिंकेश को बुलाने की हमारी भरपूर कोशिश। और ये जय हिंद वार्तालाप करते हुए पिंकेश से हम सोच रहे हैं खुल के ही बात होंगी अगर वो आ जाता है तो। तो पिंकेश यहाँ हमने काली गुमटी देखी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? 1500। काली गुमटी बहुत ही बढ़िया है, उसके अंदर 4000 से चिड़िया है। हाँ तो मजे ले रहे हमसे, ये लिख के वैसे मिटा रहा नहीं इन लोगों ने। पर अब हम डियर पार्क जो इस जिसके नाम से ये है उसके अंदर एंट्री करते हुए भाई
सब अभी बहुत छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है। तो आज ही का होगा ये? अभी ये कुछ देर पहले का ही बच्चा है, बताओ तो। भाई साहब इसको तो बहुत चोट लगी हुई है, इसको दर्द होगा, ये टूटा हुआ लटका हुआ है। मैं जाऊं क्या कूद के? मेरे पास सामान भी है ठीक करने का। वो ठीक कराएगा ना? कराएगा नहीं कराएगा वो अलग बात है। हेलो दोस्तों, हम तो आपका इंतजार था यार। मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था, वो मेरा काम तो हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं दोबारा आ गया हूँ। आपका इंतजार था क्योंकि बाकी तो ये शर्मा रहे थे कैमरे के सामने आने से। कौन? हिरन? हिरन नहीं, हमारे दोस्त। हमारे दोस्त देखिए जरा, इधर घुमाइए जरा। ये हमारे दोस्त शर्मा रहे थे, पूरे फ्रेम में लेते हैं सबको। ये देखिए ये पूरा चौगुना हो गया, ये पूरे फ्रेम में आ रहे हैं। तो ये इनको सबको शर्म लग रही थी ये कैमरे के सामने आने बात नहीं है। देखिए हिरन कितने अच्छे दिख रहे हैं, ठीक कमरे वाले। और सिंकारा बोलता है इंसानों लड़ते हुए देखा है, जानवरों को लड़ते हुए देखा है। जबरदस्त नज़ारा, जबरदस्त नज़ारा देखो। लात लात घूसों की मारा मार चल रही है बिल्कुल। लड़ाई करते हुए एक दूसरे में घूसे बजाते हुए देखो, घूसे नहीं बजा रहे, प्यार कर रहे हैं भाई साहब। लात घूसों की मर मार चल रही है तंगड़ी से। लात भाई साहब ये बिल्कुल भय मुक्त हो जाते हैं, भय मुक्त। क्योंकि क्योंकि अब एक बता, जब इन्हें लगातार इंसानों के बीच रहना पड़ रहा है तो भयमुक्त होंगे ये हमारे दोस्त कुछ कहना चाह रहे हैं, बताओ क्या होगा। ये देखिए इधर एक बार हिरनों का झुंड आया वहाँ थे। अच्छा, तो जैसे ही उन्होंने पता लगा कि संतरे बट रहे हैं तो पूरा झुंड आ रहा, वो देखिए वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रैली निकाल दी इन्होंने। अच्छा, ये संतरों के लिए रैली निकल के जा रही है यहाँ से, हरों की संख्या में। देखिए कितने ये संतरों के लिए आए हैं, संतरे बट रहे थे। यही की चीज में कहीं से भी आ जाता है ये तो वो बारा सिंह का, और इसका सिंह टूटा हुआ था। ये संतरे, वो उससे बड़ा हिरन देखो, वो देखो कितने बड़े सिंह उसके। सबसे बड़ा वही दिख रहा है मुझे, उस पे फोकस करता हूँ मैं। सबसे पुराना, सबसे बड़ा वो था। किस क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था कि संतरे कम पड़ गए इनके लिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इससे पहले जो कह रहे थे वो बात दोबारा से दोहरा। हमारे पास संतरों की कमी रह गई है, हम अभी बाहर जाते हैं मार्केट वगैरह से, 2 किलो संतरे लेकर आते हैं, तब इनको संतरे और देंगे। तो दोस्तों पिंकेश ने बात बदल दी है। सब दो का क्या कहना बताइए, सबको सब तो आते जाते रहते हैं। मेरे मुँह से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गई। दाने लेकर आऊंगा अगले कौन से, दाने चावल गेहूं वगैरह लेकर आऊंगा इनके लिए। पूरा राशन का कट्टा ले आऊंगा, घूमे फेंकते चले आएंगे। हाँ, ये पक्षी पक्षी तो खा ही लेंगे, मोर मरे लेंगे, जमाएंगे। तेरा डब्लू है ऐसा ही है, मैं उसको दिखाऊंगा जाके। मैं देख तेरा हम सगल दे रहे हैं।
चलते रहो। अब हम आ चुके हैं हमारे एक चैनल पे जिसका नाम है वाई के लॉर व्लॉग्स। और ये देखिए आज हम आए हैं डियर पार्क के जंगल में घूमते हुए अपने यार दोस्तों के साथ। और हमने वीडियो का पूरा कार्यभार पिंकेस को संभाल दिया है, ये पिंकेस अपने आप संभालेंगे। ये देखिए जंगली जंगल है, पूरे में जंगली जंगल, हम कहीं भी घूम सकते हैं। पीछे देखिए हमारे एकदम जंगल, आप यहाँ घूमने आ सकते हैं, वॉक करने आ सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है तो वहाँ उसे भी लेकर आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा पार्क है घूमने के लिए, लेकिन चोरों से सावधान, जेब कतरों से सावधान। और पिंकेस हमें पता नहीं कौन सी जगह लेके आ गया है। ये कौन सा झाड़ है पिंकेस? ये देखिए काला झाड़। यहाँ पर आप दिन में भी आओगे तो भी आपको अंधेरा दिखेगा, रात में आओगे, रात को आओगे तो आप ही नहीं दिखोगे। ये जहन कहाँ जा रहा है? ये जहन कहाँ जा रहा है? जहन खो गए तो जंगल में, बाहर नहीं निकल पाओगे, पूरी रात हो जाएगी, अगले दिन ही निकलोगे, वो भी लोकेशन डाल के। इन झाड़ियों में नेट भी नहीं आता। तो हमारा यह ब्लॉग आगे भी जारी रहेगा, आगे हम आपको हौज खास विलेज और हौज खास किला दिखाएंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल वाई के लॉर ब्लॉग्स। धन्यवाद।